सुकमा जिले के अंदरूनी इलाकों में नक्सली ग्रामीणों के साथ बैठक कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो नक्सली कमांडर पापा राव ग्रामीणों की बैठक ले रहा है। सुकमा जिले में लगातार पुलिस के ऑपरेशन और पुलिस के द्वारा ग्रामीणों में लगातार विश्वास बढ़ने से नक्सली समर्पण लगातार हो रहा है, जिसे लेकर नक्सलियों में अब अपने आप को मजबूत करने के लिए बैठक लिए जाने की सूचना पुलिस को मिल रही है। नक्सलियों के द्वारा अपना दहशत बरकरार रखने के लिए नक्सली कमांडर द्वारा कई गांवों में तेंदुपत्ता और समर्पण पर चर्चा की जा रही है। वहीं पुलिस को भी इसकी सारी खबरें मिल रही हैं। सुकमा नक्सल ऑपरेशन एएसपी सलभ सिन्हा ने कहा कि अलग अलग इलाकों से खबरें आ रही हैं कि नक्सली लगातार कमजोर हो रहे हैं। साथ ही ये भी सूचना मिल रही है कि नक्सली कमांडर रमन्ना और पापा राव के द्वारा ग्रामीणों की बैठक ली जा रही है। हालांकि पुलिस इन सभी गतिविधियों पर नजर रखी हुई है। ठेकेदारों की मीटिंग भी लेते हैं। दंतेवाड़ा में भी कुछ दिन पहले काफ़ी बड़ी मात्रा में नक्सली उपस्थित थे, वहाँ पर एक मुठभेड़ हुआ था। तो इस तरीके से जगह जगह जाकर ग्रामीणों की और ठेकेदारों की मीटिंग को ले रहे, ऐसी खबर आ रही है। और इसी के मद्देनज़र हम लोगों ने अपने इलाकों में सर्चिंग वगैरह लगातार कंटिन्यू की हुई है और एरिया डोमेशन भी हम लोग लगातार जारी है और कोई भी स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।